Jadi nanti bapak saya keluar dari sini. Yeah, it's coffee.
そうです。わかんないね。अगर एबीसी रियल में सुन बता दूँ कि अगर एबीसी रियल में तो क्या ये इंजीनियरिंग पार्ट लग गया ना तुम्हें साथ नहीं आएगा ना क्या इंजीनियरिंग क्या आएगा नहीं कौन लाएगा क्यों नहीं मतलब लाएगा लेके आएगा कैसा लेके आएगा अच्छा मतलब या तो ये पॉजिटिव नंबर होगा 20 पर माइनस 4 एसी या नेगेटिव होगा अच्छा 20 पर माइनस 4 एसी अपना इमेजिनरी हो सकता है नहीं तो कहने का मतलब 20 पर माइनस 4 एसी एक रियल नंबर होगा मे बी इट विल पॉजिटिव इट मे बी नेगेटिव पॉजिटिव हुआ तो बहुत अच्छी बात है नहीं हुआ तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है नेगेटिव हुआ तो दिस विल बी दिस ब्रैकेट विल बी प्लस माइनस सम लैम्डा टाइम फाइव होगा लैम्डा इज सम रियल नंबर तो अब दिख रहे हैं प्लस माइनस अब कोई बड़े कभी सच दिक्कत क्या है ये भी सीरियल नहीं तो फिर ये भी कॉन्ट्रीब्यूट करने लगेंगे ना फिर ऐसा नहीं होगा कि प्लस माइनस से आप कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे तो करके देख लेना ये एग्जांपल ऐसे ही लोग जैसे मैंने कहा एक्स स्क्वायर प्लस टू आयोटा एक्स प्लस फोर आयोटा इक्वल्स टू जी अब तो इसके रूट्स निकालोगे ना
Thank you.
So again, y-axis and distance y is 92 by distance positive. So this is a by a distance for. Or in half say that you have to carry an xp. With an xp, what is a by a? So p b2, rather directed through the distance, will be xp plus a by a. So p is equal to whatever. P is equal to e times xp plus e by e. So this e xp plus e. अच्छा आप सुनना ध्यान से फिर कंप्लीट टीम ऑफ क्वेश्चन आप बता सकते हैं क्या मॉडिफिकेशन करना है इन शॉर्ट कैसे लिख लेता हूं पी एस 1 कॉमा पी एस 2 इज इक्वल टू ई एक्स पी प्लस माइनस ई उधर हमने लिखा था ए प्लस माइनस ई एक्स पी ठीक है इधर मैं लिख रहा हूं ई एक्स पी प्लस माइनस ई व्हाट इज द मतलब थोड़ा सा चेंज करना है मुझे और मतलब बेटर तरीके से क्या इसमें मॉडिफिकेशन करना कहीं ना कहीं ये गलत हो जाएगा किसी पर्टिकुलर सिनेरियो में हाँ ये गलत लिख लिखा है कौन सा exp plus minus a then focal distances will be plus minus, sorry, mod of
exp plus minus k, mod of exp plus minus k.
बना सुनिए क्या बना है इधर वाला प्लान सेंट्रल टॉरी के तरफ बट एक्चुअली मुझे ऐसे लिखना चाहिए कि वॉट लिखना चाहिए
है। अच्छा चलिए एग्जैक्टली वैसे सिनेरियो किसका सर जो दिया है मैंने विदाउट बॉन्ड तब कौन सा सेगमेंट होगा उस साइड वाले लेकिन अगर बॉन्ड लगा दिया मैंने इसमें तो दो होंगे इधर वाला भी और इधर वाला भी समझ रहे डिफरेंस ऑफ बॉन्ड उसको डिपेंड करता है मैंने नोट लिखवाया है उसमें नहीं लिखा लेकिन कवर मोड डाल दो वो लिखा था मैंने सच दैट मोड ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू इसी नोट के अंदर मोड डाल दो तब मैं क्या बोलूंगा के इज इक्वल टू ए बी प्लस वन ये वाला एंड ये आ रहा है ए के पहले वाले पॉइंट फिर ये भी आ रहा है बी के बाद वाले पॉइंट मतलब ऐसे लिखो लाइन ए बी एक्सेप्ट लाइन सेगमेंट ए इस ये लाइन पूरी उसमें मतलब ए बी लगा लाइन सेगमेंट है ना बॉटम इतना पार्ट है बी के साइड वाला ए के साइड वाला ए के लेफ्ट वाला पार्ट ऑफ द लाइन एंड बी के राइट वाला दो पार्ट ऑफ लाइन अगर बी तुमने राइट हैंड लिया है लेफ्ट हैंड लिया था एंड ऑफ कोर्स ए स्क्वायर ऑफ कोसाइन टू ए इज लेस देन ए इन दिस पर्टिकुलर केस तो कोसाइन भी आएगा केस लेस देन ए तब हमारा क्या है हाइपोटेन्यूज ठीक है अब प्रॉपर ट्रायंगल बनेगा आपको ही व्यवहार पॉइंट है नेक्स्ट में ये लीजिए दिस इज पी तो कौन सी करते पी माइनस पी की ये भी है विच करते के इज लेस देन डिफरेंस ऑफ टू साइड इज लेस देन टू साइड ट्रायंगल प्रॉपर बन जाएगा ट्रायंगल बन जाएगा मतलब पी एक पॉइंट बन जाएगा पूरी स्पेस में एंड ऑल सच पॉइंट्स विल लाइव हाइपोटेन्यूज अच्छा इसमें ऐड एक्स्ट्रा ऐड है तो थोड़ा सा पी के इज लेस देन है मतलब लोकस ऑफ पी विल बी हाइपरबोला वेयर ए एंड बी विल एक्ट एज अ फोकल k will be the length of transfer axis. If p a minus mod of p a minus p is equal to k, then if k is less than a b, then locus of p will be hyperbola with a and b as foci of radius. Hyperbola. With a and b as the fixed point मतलब foci. Foci से distance होता है ना. A and b foci का काम करेगा. और जो constant है k, वो हमारा length of transfer axis का काम करेगा. पहले बोल रही हूँ वीडियो देखने से तुम सोचोगे तो क्या सोचो नहीं पता है सोचो नहीं पता है ऐसे बोल बोल बाकी सब ठीक पूरा तुम्हारा हो गया तो सोचोगे तो क्या सब नहीं हो गया क्यों क्यों डिफरेंस है ऑनलाइन और ऑफलाइन आंसर का पता चल जाएगा अंदर नहीं मुझे हाँ ये तो सामने बढ़ाते हैं ना है ना क्या है सेव के अच्छे से समझ जाते हैं और वापस बहुत अच्छे से इधर तो बस अच्छा लगता है चलो अच्छी बात ये अलग अलग है दोनों का अपना अपना एक्चुअली ऑनलाइन हो जाता है ना तो दिक्कत तुम्हारा साथ इसलिए हुई ना शुरू से होगा चलो सात छः महीने पहले तुम लोग पढ़ लेते उसके बाद होता तो ठीक है तुम नेटवर्क एडजस्ट कर लेते थोड़ा माइंड डेवलप हो जाता अब तो पता ही नहीं है कैसे पढ़ना है और ऑफलाइन ऑनलाइन स्टार्ट हो गया इसलिए ज़्यादा बस ऐसे नहीं होता ऑनलाइन ऑनलाइन कुछ बच्चे के लिए बहुत अच्छा है जो मेहनती है और थोड़ा मतलब स्मार्ट वर्क करता है उसके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि बहुत टाइम बचता है बहुत टाइम से होता है चलो क्वेश्चन क्वेश्चन लेट पी इज अ वेक्टर पॉइंट सच दैट पी ए माइनस पी बी इज इक्वल टू के मतलब इसी नोट को एक एग्जांपल के तौर पे लिखवा देता हूँ सो दैट पक्का हो जाएगा लेट पी इज अ वेरिएबल पॉइंट सच दैट पी ए माइनस पी बी इज इक्वल टू के सच दैट पी ए माइनस पी बी इज इक्वल टू के वेयर ए इज 7.2 A के कोऑर्डिनेट इज 7.2 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ B 11.2 इसका मतलब पूरा इसी का चलो लिख लेते हैं आप A के कोऑर्डिनेट 7.2 B के कोऑर्डिनेट 11.2 देन लोकस ऑफ P इज first part k is equal to 4
then locus of P if case first part k is equal to 4, case 2 k is equal to 10, and case 3 k is equal to 3. Equation
रजिस्ट्रेशन नहीं है, बीच में लगा लगा मुझे कल तुम भी नहीं, बीच में लगा मैं सुन तुम मैथमेटिकली कैसे लिखूं, हाउ टू राइट मैथमेटिकली y equals to 2 x greater than 7 less than equals to 1 हाँ उल्टा बोल रहा है उल्टा चल रहा है y equals to कौन सा होगा थोड़ा थोड़ा सर मैथमेटिक्स सर मैथमेटिक्स नहीं आता जितना मुझे याद है 7 2 11 2 7 2 11 2 this is line segment 8 ठीक है ना, अब मैंने बोला केस वन k is equal to a, तो डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट इज 4 एंड k इज आल्सो 4, सो लाइन सेगमेंट कौन सा आना चाहिए, a के पहले वाला b के बाद वाला, तो इस वाली इक्वेशन को जो मैं बना रहा हूं इन माइनस इनफिनिटी तक जा रही है, माइनस इनफिनिटी से a तक फिर b से लेकर इनफिनिटी वाली लाइन, इसको मैथमेटिकली कैसे लिखूं, तो इस पर इस ब्लू वाले लाइन में क्या खासियत है, तो इन सब का y इक्वल्स टू 2 है, बट दिस अलोन इज नॉट सफिशिएंट, बिकॉज़ अगर तुमने y इक्वल टू 2 लगा दिया तो ये ब्लैक वाला पार्ट ही आ जाएगा, इसको हटाने के लिए एंड एट द इंटरसेक्शन मतलब ये भी होना चाहिए जो आप लिख रहा हूं, x शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 7 एंड इधर ये आ जाएगा, कितना
इल्ला फोर ना नहीं फोर कैसे वो तो टू ए होता है फोर तो टू ए इज डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट ना तो केस में फोर के लिए लिखा है थ्री है थ्री हाँ टू ए इज डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट क्योंकि ये फोकल का काम कर रहा है ना ये दोनों पॉइंट्स तो डिस्टेंस बिटवीन फोकल इज टू ए सो दिस विल बी फोर और PA minus PB किसके बराबर होता है length of transverse axis तो K is 2A तो 2A is K K is 3 E आ गया E आ गया ऐसे दोबारा रख A आ गया और फिर वो eccentricity वाला E square equal to 1 plus B square by A square E आ गया ये वो लीगर रखते हैं तब आज का उनको पता क्या देना है उस साइज में मैंने टेंशन दिया है उन्होंने नहीं किया है तो उनको क्या देना आर्टिशन पता है तुम लोगों के पास सबके पास नहीं है तो ऑप्ट आउट कर देते हैं ऐसा नहीं कि नहीं है तो नहीं करेंगे तो आर्टिशन का स्टार्ट करें तो चीफ कितनी बची तो बची चार पांच क्वेश्चन हाइपरबोलर की स्टार्ट करें तो बेस में थोड़ा कॉन्फिडेंट बिल्ड हो थोड़ा और फील आ जाए आ रहा है हाइपरबोलर ये हाइपरबोलर एक दो दिन और क्या करना है नहीं हाइपरबोलर आपको करना है दो दिन बाद Yes, कितने क्वेश्चन 20 क्वेश्चन है तो इजी हो गया तब वैसे भी कैसे ये निकालो ये दिया और ये दिया और ठीक है थोड़ा तो प्रैक्टिस हो जाएगी 20 क्वेश्चन कल करूंगा डिस्कस ठीक है सॉल्व कर दूंगा डिस्कस हम सॉल्व कर दूंगा 20 क्वेश्चन मतलब 20 क्वेश्चन करने हैं है नहीं फिजिक्स में 68 से 78 और फिर 98 से 100 गलत बोला मैंने कहा होगी गलत बोला है तो ज्यादा हो गया 78 से 88 एक इधर बढ़ गया और 98 से 108 22 हो गया इसको तो दो किस पे नहीं और ठीक है क्योंकि तो जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था तो नेगेटिव वाले को ये बात
नेगेटिव वाले को तो लेके रहते फिर y स्क्वायर क्या है अल्फा स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल x स्क्वायर का बीटा स्क्वायर मतलब जो y स्क्वायर इक्वल x स्क्वायर से बड़ा है मतलब y जो है या तो अल्फा से ऊपर है या माइनस अल्फा से नीचे है जैसे उधर हमारा क्या होता x a के राइट में आ रहा था माइनस a के लेफ्ट में जस्ट लाइक दैट और कैसे मतलब ये तो तरीका हो गया मतलब ये पर पहचान गए कि वर्टिकल होगा क्लियर है यहाँ का अच्छा अभी तो मैंने बताया एसेंट्रिसिटी निकालने की ये याद रखो तो कभी गलती नहीं करोगे अब क्या लिखूंगा एसेंट्रिसिटी की बात प्लस नेगेटिव वाला नेगेटिव क्या है एक्स पर है ना इसकी जगह लेना वीकनेस करना वीकनेस कर रहा हूँ फोकस अब हो गई कितना आई ऑफ कोर्स y एक्सिस का ही ये पावर ऑफ बीटा एक्सिस में क्या देखूंगा मैं हो गई जस्ट लाइक एलिप्स क्या लिखूंगा 0 कॉमा प्लस माइनस अल्फा e बीटा नहीं लिखना नेगेटिव वाला नहीं हो गई वगैरह मतलब ए जो ए का काम ए जो कर रहा है वो पॉजिटिव वाला कर कंफ्यूज मत होना एक बार जाके एक बार घर जाके थोड़ा सा और बेटर तरीके से तो फोकस भी 0 कॉमा प्लस माइनस अल्फा ई ये अल्फा सिमिलरली अब वो डायरेक्ट इस वाले ले लो y इज इक्वल टू प्लस माइनस अल्फा बाय ई जस्ट लाइक इलिप्स स्ट्रांग इलिप्स मीन वैसे ही ठीक है ना मतलब काफी आवाज तो बीस क्वेश्चन आगे चल डिग्री फाइव के जो बच्चे कर लेना कितने बचे चार पांच ही बचे ना तो उधर 15 कर लेना टोटल 20 कर लेना क्योंकि मुझे नहीं लगता ऑडिशन में ज्यादा लेवल होगा तो ध्यान नहीं मैंने 2 साल पहले किया था ठीक है Thank you.